ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुःवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति प्रेमिरेहस्सु तच्चित्ताः तन्मनस्का महोदयाः श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेविरेहस्सु तच्चित्ताः तन्मनस्का महोदयाः श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति श्रीशुकवाच
Nada disso. श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह ब्रजस्त्रियः ब्रज की स्त्रियां राजन हे राजन कृष्ण लीला कृष्ण की लीलाओं के विषय में अनुगायते निरंतर कीर्तन करती रे मिरे आनंद लूटती अहसु दिन के समय तच्चित्ता उनमें लीन इनके हृदय तत्मनस्का उनके मन महा महान उदया उत्सव का सा अनुभव करते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती और उन सबों के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की इस श्लोक से निश्चित निश्चय ही पुष्टि हो जाती है कि भग्न हृदय गोपियों की तथाकथित पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है। भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा अर्थात एक कलावधि है किंतु आध्यात्मिक स्तर पर तथाकथित पीड़ा आध्यात्मिक आनंद का एक भिन्न प्रकार मात्र है। पश्चिमी देशों में लोग विभिन्न स्वादों वाली आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करने में मजा लेते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण तथा उनके भक्तगण आध्यात्मिक आनंद के स्वादों को कुशलतापूर्वक मिश्रित करते हैं। इस तरह प्रत्येक दिवस गोपियों के लिए एक महान उत्सव बन जाता था। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि विरह का अनुभव जब होता है लग रहा है कि भक्त बहुत एक दुखी अवस्था में है लेकिन असली में देखा जाए तो वो परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं भक्त लोग। जैसे गोपियाँ एक गोपी गीत में गाती हैं हटत याद ब्रजात अखने काननम त्रुटेर युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। इस गीत में गाती है जब सूर्य आसमान में रहता है ऊपर दिन के समय भगवान श्री कृष्ण गोचरण लीला में अपने गोप बालकों के साथ वन में चले जाते हैं। उस समय गोपियाँ गोपियों के लिए जाने के लिए अनुमति नहीं है घर में ही पड़े रहते हैं अनेक काम काज घर में साथ साथ गोपियों के लिए वर्जित है जंगल के अंदर जाना भगवान के साथ गोपों के साथ। लेकिन वो गोपियाँ साथ में आकर आपस में चर्चा करती है विविध विषयों के बारे में। ये भागवत में ऐसे प्रसंग कहीं और भी आपको प्राप्त होता है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर वो तो द्वारका जाने के लिए तैयार कर रहे हैं अनेक लोग
उनको छोड़ने के लिए आते हैं। जैसे अर्जुन एक बहुत बड़ा छतरी पकड़ा है रत्नों से मंडित, उसके बड़े खंभ है, उसमें वो उठाकर भगवान के साथ साथ चल रहा है, भगवान को आदर देने के लिए। बाकी नकुल सहदेव बाकी लोग भगवान के लिए चामल डुला रहे हैं, और अनेक लोग हस्तिनापुर के लोग भगवान के साथ आ रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ छा गया भगवान निकलते समय, उधर स्त्रियां उनकी आंखों में आंसू बरता हुआ आ रहा है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार नाता रिश्ता कहीं दूर के प्रदेश जा रहे हो तो रोना नहीं चाहिए, उससे वो अपशकुन है। इस तरह सोचकर वो लोग रोना भी बंद करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज और बाकी सुभद्रा गांधारी सब लोग भगवान को विदा देने के लिए आते हैं उधर। उस समय छत के ऊपर चढ़कर कौरवेंद्रपुर स्त्रियां वो ऊपर से फूल की वर्षा कर रही है। जब भगवान रथ में बैठ जाते हैं उधर से निकलने ही वाले हैं भगवान उस समय, तो उधर एक श्लोक आता है उधर, अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। वो इसरा बताया गया है कि अन्योन्यम आसीत संजल्प का मतलब है वो लोग अन्योन्यता के साथ आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे वो स्त्रियां छत के ऊपर। तो स्त्रियां अगर आपस में बातचीत करती तो किस विषय के बारे में बात करेगी, और उसकी बात भागवत में बोलने की क्या जरूरत है ना। अक्सर स्त्रियां पूछते हैं कि तुमने ये कपड़ा किधर से लिया, वो आभूषण किधर से मिला तुमको, आज कुकिंग क्या किया घर में, तुम किस पार्टी में जाने वाली हो, तुमको मालूम है क्या उसकी विवाह हो गई, तुमको मालूम है क्या इसका झगड़ा हो गई, तो इत्यादि चर्चा करेंगे वो। लेकिन ऊपर जो कड़ी थी ये स्त्रियां, उनकी बात को इतना महत्व दिया है भागवत में कि वो श्रुतियों से भी बढ़कर उनके शब्दों में कुछ शक्ति थी। श्रुति का मतलब है उपनिषद, सब उपनिषद हाथ जोड़कर उनकी बात सुन रहे थे। सर्वश्रुति मनोहर है, मन हर का मतलब है मन को हरण करने वाली बात कुछ कर रही थी वो स्त्रियाँ, और श्रुति उपनिषद भी सर झुककर हाथ जोड़कर उनकी बात सुनना चाहते थे। ऐसे कैसे बात कर रही थी वो स्त्रियाँ, आप उस अध्याय को पढ़ेंगे। वो स्त्रियाँ बोल रही थी कि इधर जो सड़क में जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो रथ में, यही पुरुष है जो परम पुरुष है, जो अपने दृष्टिपात से स ऐक्षता स असृजता, इस तरह के उपनिषदों में बताया है कि अपने दृष्टिपात से भगवान जीवों को इस भौतिक प्रकृति में डाला उन्होंने। स असृजता का मतलब है उन्होंने भौतिक सृष्टि को निर्माण किया, भौतिक सृष्टि को निर्माण करके जीवों को इस दुनिया में डालकर उनको अलग अलग 84 लाख योनियों में शरीर देकर, यही भगवान उनको पालन पोषण करते हैं 84 लाख योनियों को, और उनके आंखों की शक्ति देखो, सिर्फ देखने मात्र से वो जीवों को उस दुनिया से इस दुनिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं बहुत आसानी से, और उनकी उसी आंखों से वो पोषण भी होता है। माया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति की ओर जब दृष्टि डालते हैं भगवान, जब एक आंख सूर्य है दूसरे आंख है चंद्र, एक गर्म आंख एक ठंडा आंख शीतल आंख है। जैसे नरसिंहदेव बैठकर हिरण्यकश्यप को लेकर अपने गोद में डालकर उसके पेट को फाड़कर वो उसको क्या बोलते हैं, हाँ इंटेस्टाइन हथेड़ियों को अपने गले में पहन लिया ना, उस समय नरसिंहदेव भी एक गर्म आंख था एक शीतल आंख था उनका। एक गर्म आंख से किसको देखा, हाँ दूसरे शीतल आंख से, हाँ हाँ तो भगवान के पास दोनों हैं। तो इस तरह के भगवान के सूर्य और चंद्र है। क्षीरोदन्वत् पदेशेषुचिमणि विलसत् सैकते मौक्तिकानां माला क्लृप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः।
शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर् परिविरचितैर्मुक्त पीयूषवर्षैर् आनन्दीनः पुनीयादरि नलिन गदाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियतसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौश्च नेत्रे कर्णावाशाशिरोध्यौर्मुखमभिदघनो यस्य वास्त्रेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं स्वर्णरकगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रं यतेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशनं। ऐसे विष्णु सहस्रनाम में विराट रूप का एक वर्णन है, उसमें बताया गया है चंद्र सूर्यौश्च नेत्रे। ऐसे चंद्र और सूर्य भगवान के दो नेत्र हैं, एक गर्म आँख है शीतल आँख है, लेकिन उन आँखों से प्रकृति की ओर दृष्टिपात करके भगवान बारिश को पैदा करते हैं, घास फूस इत्यादि को पैदा करते हैं, जिसको खाकर गाय दूध देती है, दूध से दही, दही से माखन, माखन से घी, ऐसे 300 से ज़्यादा पदार्थ बनाया जा सकता है दूध से, और उसी बारिश से धान्य पेड़ पौधे सब उगते हैं, फल प्राप्त होता है, फूल प्राप्त होते हैं, मसाले प्राप्त होते हैं। तो ये कांक के दृष्टिपात से हैं, तो ये कांक से ये सब सृष्टि करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरे अंग से उनमें छह तरह के रस भरते हैं। तो इस तरह वो बता रहे थे कि भगवान के आंखों से क्या क्या कर लेते हैं भगवान है? अपने सिर्फ दृष्टिपात से सारे दुनिया नाच रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार। उनकी इच्छा के बिना एक घास भी हिल नहीं सकता। इस तरह वो बता रही हैं कि वो ही परम सत्य भगवान अभी यदुकुल में अवतरित होकर अपने सब भक्तों को आनंद देने के लिए और ये दुनिया की पवित्रता को बढ़ाने के लिए और विविध लीलाओं को करके अपने दुनिया के सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके भगवतम लौटाने के लिए यदुकुल में अवतरित होकर वृष्णि के वंश में अवतरित होकर इस तरह लीला कर रहे हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगौ जयति जयति पृथ्वी भारनाशौ मुकुंदौ। इस श्लोक में बताया है कि वो देवकी वसुदेव के सुपुत्र बनकर भगवान अवतरित होते हैं और वृष्णि वंश में अवतरित होकर जैसे दीप जो होता है सारे अंधकार को मिटा देता है, इस तरह इस दुनिया के अंधकार अज्ञानता को मिटा दिया उन्होंने वृष्णि वंश में अवतरित होकर यदुकुल में। सुखदेव गोस्वामी भागवत में पांच विशेष चीज़ बता रहे हैं भगवान के बारे में। उसमें पहला चीज़ बताते हैं कि पहले इस दुनिया में गंगा में सब लोग नहाने के लिए जाते थे, क्योंकि अपने पाप को मिटाने के लिए। गंगा भी वैसे तो भगवान के श्रीचरण से ही बहती है, जिसको श्रीचरण की धूली पाकर गंगा भी एक चरणामृत है, इसलिए तो शिव जी ने गंगा को अपने जटा में धारण किया। शिव जी ने इसलिए लोग उधर जाकर नहाते थे, पाप को मिटाते थे। लेकिन जब कृष्ण की अवतार हुई इस दुनिया में यदुकुल में, उसके बाद कृष्ण खुद ही अपने पांव से द्वारका में भी, मथुरा में भी, वृंदावन में भी चल कर सारे भूमि को, धरती को उन्होंने पावन बना दिया। तो उसके बाद भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का बोध दिया और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत का बोध परीक्षित को देकर सारे दुनिया के जीवों को पावन बना दिया उन्होंने ऐसे। तो ये एक विशेषता है, गंगा में नहाने से आपके पाप मिटता है, लेकिन भगवान जिस पुण्य भूमि में अवतरित होते हैं उस मिट्टी को लेकर आप सर के ऊपर लगाओ तो बस आप धन्य हो जाओगे आप। ये पहला विशेष है। दूसरा विशेष बताते हैं कि असुरों को जब विष्णु वध करते हैं उनको ब्रह्म ज्योति में एक स्थान प्राप्त होता है असुरों को, लेकिन जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए असुर हो, देवता हो, कोई भी हो, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई।
गोप्यकामात् भयात् कंसो द्वेषात् छेद्यादया नृपा संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। ऐसे एक श्लोक में पांच तरह के रिश्ता बताया गया है भगवान के साथ, अगर हम जोड़ेंगे हम जरूर भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। गोपियों के अंदर एक घनिष्ठ प्रेम था भगवान के लिए, और कंस के अंदर बहुत भय था, कभी भी भगवान मुझे मारेंगे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों पत्नियों को देखा आते हुए अस्थि प्राप्ति, ऐसे बिस्तर से उठा, दोनों आ रही थी पत्नी साथ में, तुरंत उसको लगा कृष्ण बलराम आ रहे हैं। हे कृष्ण बलराम आ गए, ऐसे बोला, डर गया वो ऐसे। तो इस तरह कंस को कहीं भी देखो कृष्ण बलराम दिखाई दिए उसको, इस तरह भय करते 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 वो भी परम पदवी को प्राप्त किया। इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह शिशुपाल भगवान के संबंध में 99 बार अपराध की, तो बचपन से लेकर सदा शिशुपाल कृष्ण से ईर्ष्या करता था वो, सदा इसके कारण कृष्ण के बारे में सोचता था। जैसे इस दुनिया में भी देखा जाता है कभी कभी कोई दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाता है, एक व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी एक व्यक्ति उसके बारे में बड़बड़ करता रहता है, आई साहब करता रहता है ना अपने, वो बोलता है कि उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका टांग खींचूंगा, उसको मारूंगा, ऐसे उसके अनुपस्थिति में भी बोलता रहता है। लेकिन जितना एक व्यक्ति बोलता है, घृणा करता है, उसका हृदय जल जाता है इस दुनिया में, और वह उसको कुछ भी कर भी नहीं पाता है। देखिए कभी कभी एक कुत्ता होता है, जब अचानक देखता है कि सर्कस का हाथी आ रहा है, तो हाथी इतना मोटा है, बड़ा है, उसको देखकर कुत्ते को असुरक्षता महसूस होता है, अरे इतना बड़ा है प्राणी किधर से आ गया, बाव 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 करता रहता है, लेकिन थोड़ा भागता भी रहता है क्योंकि उसको डर भी होता है कि मार न दे हमको। लेकिन वो हाथी जो है, बीच में नदी है, उस ओर हाथी है, इस ओर कुत्ता है, नदी पार करके आने वाला नहीं है हाथी, लेकिन उसको देखकर इधर से ही कुत्ता भौंकता जाता है, तो ऐसे चलता, ये भी साथ चलता है, चिल्लाते जाता है, लेकिन पुल जब आता है हाथी पुल पार करके इस ओर में आ जाता है, आने के बाद कुत्ता इतना डर जाता है, तेजी से भागते हुए चिल्लाते हुए भागता हो। इस तरह कुछ लोग इस दुनिया में दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनको देख देख कर भौंकते जाते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते जाते हैं ऐसे, लेकिन बोलने के बाद भी इनको कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ हृदय जलता है, उनके डिप्रेशन बढ़ जाता है, उनके अंदर घृणा बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, नींद छूट जाता है, व्याधि होता है उनके शरीर में। लेकिन शिशुपाल कृष्ण से घृणा करके उनको सद्गति प्राप्त हुआ, ये कृष्ण की स्पेशलिटी विशेषता है। और इस तरह कुछ लोग भगवान के साथ शारीरिक संबंध था, जो वृष्णि वंश के लोग हैं, तो उनको भी उद्धार, उन्होंने भी उद्धार प्राप्त की। कुछ लोग भगवान के महान भक्त बने, जैसे पांडव लोग ऐसे, वो भी भगवान के साथ संबंधित हैं। और नारद जैसे महान भक्त लोग भगवान की भक्ति योग में जुड़कर नवविधा भक्ति करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया ऐसे। तो ये दूसरा चीज़ है, असुर हो देवता हो सबको सद्गति प्राप्त हुआ, अघासुर को भी स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुआ, पूतना को भी स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुआ उनको भी। इस तरह आप देखेंगे ये विशेष है कृष्ण का। पहला विशेष क्या बोला मैंने, यदुकुल में अवतरित होकर भगवान ने मथुरा वृंदावन द्वारका इत्यादि को पावन किया, उन्होंने अपने भूमि में अपने पांव को रख कर भगवान ने भूमि को धन्य कर दिया, वो पहली बात है। दूसरी बात बोला असुर और देवता दोनों को उद्धार किया भगवान ने ऐसे। तीसरी बात है, विशेषता क्या है, लक्ष्मी जी जो है उनकी ओर मुड़कर सब देवता लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हे माते हमारी ओर आपकी दृष्टिपात करो, आप सिर्फ हमको मुड़कर देखोगी बस हम ये लोक का स्वामी बन जाएंगे, नहीं तो हमको धन दौलत मिल जाएगा, सोना चांदी रत्न इत्यादि मिल जाएगा। थोड़ा उस साइड मुड़कर देखने के बदले हमारी ओर मुड़कर देखो, ऐसे वो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी उनकी ओर मुड़ती नहीं, इसके बदले दूसरी ओर मुड़कर वो भगवान विष्णु के श्री चरणों को ही देखती है, वो हमेशा पाद संवादन करना चाहती है, सेवा करना चाहती है विष्णु के लिए,
लेकिन सब सारे दुनिया के लोग अपने खिड़की खोल कर रखे हैं, छत खोल कर रखे हैं कि लक्ष्मी आ जाए हमारे घर के अंदर, हैं उनको देखते नहीं वो हैं। लेकिन साथ साथ अगर लक्ष्मी आ भी जाती है इस दुनिया में, उसको चंचला कहा गया है, एक व्यक्ति के पॉकेट से दूसरे व्यक्ति के पॉकेट में कूद मारती जाती है, ऐसे हैं, रहती नहीं, टिकती नहीं। धनी से धनी लोग भी डरते हैं कि लक्ष्मी छूट न जाए हमारे हाथ से, हैं। लेकिन भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थिर रहती है वो लक्ष्मी, उधर रहकर हमेशा सेवा देती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में अवतरित होते हैं, वो लक्ष्मी भी विचलित हो जाती है, भगवान के श्री चरणों में रख नहीं पाती है विष्णु के पास। क्यों? हालांकि विष्णु उनके पति हैं, वो पतिव्रता है लक्ष्मी, लेकिन कृष्ण की लीलाओं को सुनकर उनको भी बड़ा विस्मित हो जाती है वो भी। अरे ये क्या, मेरे पति इस तरह का नया लीला कर रहा है, ये तो नाच रहा है, गा रहा है, मुरली बजा रहा है, सब जीवों को आकर्षित कर रहा है, तो मैं इधर क्षीरदाक्ष विष्णु के श्री चरणों में बैठ कर अगर मैं पाँव दबाती रहूँगी, ये इस तरह के आनंद में लूट नहीं पाऊँगी जो गोपियाँ लूट रही है। तो उसको भी इच्छा हो जाता है कि हमारे पति इस तरह के मूड कभी दिखाए नहीं है पहले, हैं तो इस तरह अभी डांसिंग मूड में हैं, तो हम भी जाकर नाचते हैं उनके साथ, इस तरह इच्छा करके। जो भौतिक दुनिया में चंचल आ है, भगवान के श्री नारायण के चरणों में वो कभी चंचल नहीं होती है। फिर भी कृष्ण की विशेषता यह है कि लक्ष्मी भी इच्छा करती है कि मैं भी रास नृत्य में जुड़कर नाचूं। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणुस्पर्शाधिकार यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रताः। ऐसे नागपत्नियां लक्ष्मी की स्मरण करते हैं, यद्वांछया श्रीर ललना अचरत्तपो, भगवान की श्री चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए, खास करके कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए लक्ष्मी जी ने क्या किया, अचरत तपो का मतलब बहुत कठोर परिश्रम किया, बिल्ववन में बैठकर भगवान की ओर, वृंदावन की ओर मुड़कर देखते हुए हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, आज भी आप देखेंगे बिल्ववन में। तो इस तरह वो धूलि जो कृष्ण की श्री चरणों की धूलि जो लक्ष्मी जी को नहीं प्राप्त हुआ, अभी भी इंतजार कर रही है, वो धूलि प्राप्त हुआ कालिया को उसके सर के ऊपर। ऐसे कौन बता रहे हैं, नागपत्नियाँ बता रही हैं ऐसे। इसका मतलब है भागवत में भी इस बात की पुष्टि है कि लक्ष्मी कृष्ण की लीला में नाचना चाहती है रास नृत्य में गोपियों जैसे, गोपियों को देखकर उसको भी इच्छा होता है कि मैं भी इस तरह की वृंदावन की लीला में भाग लूँ। ये कृष्ण की एक विशेषता है, ये तीसरा विशेषता हो गया। और चौथा विशेषता है भगवान के नाम जो है, भगवान कृष्ण के नाम, ऐसा बताया गया एक बार पार्वती जी ने शिव जी को एक प्रश्न पूछा था, पार्वत्युवाच, बोलिए, के नोपायेन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकम् पठितैर् पंडितैर् नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ये पंडित लोग जो पढ़ते हैं विष्णु सहस्र नाम रोज, हाँ ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको बोलने के लिए समय लगता है, लेकिन इसको लघुना केनोपायन उपायन, कुछ उपाय से आप इसको थोड़ा लघु करके दीजिए, लघु का मतलब है हाँ छोटा करके दे सकते हैं क्या इसी इसको, ताकि मैं भी रोज बोल पाऊँगी। कभी कभी ऐसे होता है हमारे शास्त्रों में, कुछ लंबा कुछ प्रार्थना हो उसको छोटा करके बोलते हैं कि अगर ये प्रार्थना के बदले एक प्रार्थना बोलेगे तो पूरा प्रार्थना करने की लाभ है, ऐसा है। सुना है आपने कुछ कुछ ऐसे, जैसे परीक्षित पूरा कथा सुन लिया भागवत, उसके बाद परीक्षित की माँ सुनना चाहती थी उनसे, मालूम है आपको, तो परीक्षित बोला अभी टाइम किधर है, हमको कभी भी हम शरीर छोड़ने वाले हैं, अभी पूरा भागवत और 7 दिन में बोलूँगा तो उसके बाद तक्षक आ जाए ना उसके पहले। तो उन्होंने उसको संक्षिप्त रूप में बताया, उसका नाम क्या है, हाँ बृहद भागवत अमृत, उसको छोटा करके उन्होंने दिया उनको। इसी तरह पार्वती ने भी विनती की, आप थोड़ा ऐसे बताए, तो शिव जी उनको बोला उस समय, ईश्वर उवाच
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वो बोल रहे हैं वरानने, एक खूबसूरत चेहरे वाली, ऐसे बोलते हैं पार्वती जी है? आपको संक्षिप्त में मैं बता दूंगा पूरे सहस्र नाम को, राम 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 ऐसे तीन बार बोलो, वो सहस्र नाम बोलने की एक पूरा सहस्र नाम बोलने के बराबर है, ऐसे बताया उन्होंने। तो इसी तरह और एक श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद में है, उसमें है, उधर बताया गया कि एक कृष्ण के नाम लेने से तीन नाम लेने के बराबर है राम के, ऐसे ऐसे बताया है। तो विष्णु सहस्र नाम बोलने के बदले तीन नाम ले सकते हैं राम की, इसके बदले एक नाम कृष्ण के ले सकते हैं आप बस। तो ऐसे शक्ति मापा गया है कृष्ण के नाम की, क्योंकि आप जब विष्णु से राम, राम से कृष्ण के पास जाएंगे तो कृपा भी बढ़ता जाता है, आप देख सकते हैं। जैसे कृष्ण जैसे विष्णु ऐसे सीधा खड़े हैं, जैसे NCC में लोग खड़े रहते हैं ना ऐसे अटेंशन ऐसे खड़े रहते हैं स्ट्रेट, लेकिन आप कृष्ण देखेंगे ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहने से उनके श्री चरणों की 16 चिन्ह जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा सब भक्तों का कृपा बरसाते हैं। लेकिन अगर विष्णु ऐसे खड़े रहते हैं आपको उनके पांव के नीचे जाना पड़ेगा कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना। तो कभी कभी वामन देव के रूप में आकर बलि महाराज को देते हैं, लेकिन कृष्ण तो सबके लिए वो कृपा बरसाते हैं। आप बोलेंगे ठीक है विष्णु ऐसे हैं लेकिन राम बड़े कृपालु हैं, परम दयालु हैं, आप बोलेंगे, क्योंकि वानरों के साथ उन्होंने कैसे लिए अच्छी लीला की जंगल में, विष्णु से और प्रेम से लिए डीलिंग करते हैं राम जी हैं, उन्होंने केवट से सेवा अपनाया, उन्होंने ये नदी पार करने की सेवा लिया उनके साथ, सुग्रीव से भी कुछ ठीक है। प्रभु रामचंद्र को मानते हैं कि विष्णु से भी ज़्यादा निकट आकर भक्तों के साथ सेवा ली है उन्होंने, लेकिन सेवा लेकर छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने उसी वानरों को माखन के लाया उन्होंने। कृष्ण ने बोला कि पूर्व अवतार में आप लोग इतनी सेवा दी लेकिन कुछ देने के लिए जंगल में कुछ नहीं मिला मुझे, अभी आ जाओ इधर बहुत माखन मिला है सब लोगों को खिलाऊंगा, तो माखन खिलाया उन्होंने, इसलिए कृष्ण को और कृपालु बताया गया है। और प्रभु रामचंद्र जब देखा शूर्पणखा को, कुछ समय के लिए उनको आनंद दिया, कैसे आनंद दिया, कुछ अच्छे अच्छे मीठे बातें बोला उनको, कैसे रामचंद्र जी उनके पास इनको गुणगान कर रहे थे हमारे लक्ष्मण को, वो उनको बोले शूर्पणखा को, शूर्पणखा तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो लेकिन मेरे धर्मपत्नी इधर ही है, मैं तो एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ मैं, और तुमको भी शादी करना हो तो इधर एक व्यक्ति है जिसका पत्नी इधर नहीं है, कौन, लक्ष्मण, तो उसके पास चले जाओ। शूर्पणखा इतना बड़ा मूर्ख थी, वो भी हाँ बोलकर उधर चली गई उसके पास, वो सोचा दोनों में से एक मिलेगा तो चलेगा, दोनों एकदम खूबसूरत हैं, दोनों आजान बाहु हैं ऐसे सोचकर। और लक्ष्मण ने बोला नहीं नहीं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ प्रभु रामचंद्र की, मेरे पास मत आओ उनके पास ही जाओ। तो दोनों ऐसे जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ऐसे कर रहे थे। बाद में जब शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई, सोचा कि सीता ही कारण है जिसके कारण मैं राम को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, उसको मारने के लिए क्रूरता से उसकी ओर देख रही थी, ऐसे क्रूर नज़र डाला उनके ऊपर। तो तब प्रभु रामचंद्र ने बोला लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण अभी जो करना करो अभी है? तो नासिका को काट दिया लक्ष्मण ने, वो भाग गई उधर से नासिक से है? लेकिन कृष्ण बड़े परम दयालु हैं, वही शूर्पणखा आती है कुब्जा बनकर, त्रिवक्रा बनकर है, उसको भगवान ने कृपा दिखाया, कैसे उसके चंदन की लेप को स्वीकारा और कुब्जा को उसके गाल को पकड़कर उठाकर उसको और खूबसूरत बना दिया भगवान ने, एक अति सुंदरी बना दिया उनको। तो इस तरह ये बात बता रहा था भगवान के नाम के बारे में, भगवान कृष्ण के नाम जो है उसको लेने से आपको बहुत असीम कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये कितना वाला है, तीसरा चौथा है, चौथा है। पांचवा क्या है, वेदों में 20 तरह के धर्म दिए गए हैं, संस्कारें दिए गए हैं जो हर एक व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति है उसको करना चाहिए करके वेद बताते हैं।
वो सब जो पूर्ति पूर्णता प्राप्त करता है उन धार्मिक कार्यों में, वो ही व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होता है, इसे बताया है वेदों में। लेकिन भगवान कृष्ण जब आए, देखा उन्होंने कलयुग के जीवों के पास कुछ योग्यता नहीं है, सब भटक गए हैं, धार्मिक नहीं है, अनेक लोगों को अनेक चीज़ मालूम नहीं है। अभी मैं हाल ही में एक जब अलग अलग कोने कोने में जा रहा था भागवत का वितरण करने के लिए, तो कुछ कुछ घर में हम जाते हैं, अभी अनेक लोगों को मालूम भी नहीं आजकल छोटे छोटे धार्मिक चीज़ों के बारे में भी। एक ऐसे हम घर में गए थे तो घर का मालिक बैठा था अपने कुत्ते को, बड़ा कुत्ते को अपने गोद में लेकर, लेकिन माता जी अभी भी भक्ति चालू किया उन्होंने, तो उनको भागवतम लेना था, तो हमको बिठा दिया है कुर्सी में, कुत्ता गोल गोल घूम रहा है हमको, अभी सब लोग कुत्ते को देख रहे हैं। मैंने उनको बोला थोड़ा कथा बोलने दीजिए, थोड़ा कुत्ते को बिठा दीजिए उधर कोने में। वो बोलता कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, आपको घूमेगा बस, आपका प्रदर्शना कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, वो उसको बिठा दिया उसके बाद। तो हम देखते हैं अनेक लोगों को अभी आरती जब उतारा जाता है, आरती उतार कर हमारे ब्रह्मचारी ने उनके हाथ में आरती दिया, तो वो भी उसको लेकर गोल गोल घूम रहा है, अब सबके पास जाकर ऐसे कर रहा है सबको वो व्यक्ति। तो माता जी बोले अरे सबको मत करो, ये भगवान को हो गया है, सबको अच्छा लेना चाहिए, वो भी मालूम नहीं आजकल। हाँ, क्योंकि वो बोला अभी अभी स्वामी जी ने किया ना ऐसे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ सबको। तो भारत भी बिगड़ता जा रहा है अभी। लोगों को छोटे छोटे चीज़ भी मालूम नहीं लोगों को। तो उसके बाद मैंने उनको पूछा कि कुछ फल है क्या सबको देने के लिए। तो बड़ा धनी व्यक्ति है, बड़ा घर है, कुछ फल लेकर रखा रहता तो सबको दे सकते हैं, कुछ उतार ही नहीं किया है। और माता ने बोला अरे तुमको बोला ना कल लाने के लिए, तुम लाए नहीं है, बोल रहे हैं। मैंने बोला हमेशा देने की आदत होना चाहिए, लोग आते हैं भगवान को भोग चढ़ाकर फल कुछ देना चाहिए जो घर में आते हैं कार्यक्रम के लिए। तो अनेक लोगों को आजकल चीज़ें मालूम नहीं हैं, छोटे छोटे चीज़ भी इतने क्षीण हो गए हैं धर्म में, कलयुग के जीव बहुत क्षीण हो जाते हैं धार्मिक कार्यक्रमों में। इसलिए भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान, अरे भूल जाओ तुम सीखोगे नहीं कभी। इसलिए भगवान ने क्या बोला, माम एकम। हाँ, इसलिए 20 धर्मों को छोड़कर भगवान ने एक धर्म कर दिया। क्या है वो धर्म? हाँ, आकर भगवान के सामने सर झुकना बस। कम से कम ये सर झुकने का आदत बना लो, कुछ मालूम नहीं झुक जाओ बस। है भगवान कुछ मालूम नहीं, सर झुकेंगे। अभी कुछ लोगों का अच्छा आदत है, बच्चों को भी सिखा दिया उन्होंने, साधु को देखो कि झुक जाओ भगवान का शीघ्र झुक जाओ। कभी भी अभी धाम में भी जाते हैं वो लोग झुक जाते हैं, लोट पोटते हैं, अच्छी आदत है कलयुग में, क्योंकि एक ही धर्म है बस, भगवान के सामने कोई झुकता है। जैसे एक चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में बताया है कि भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हे अर्जुन, भक्ति में वो व्यक्ति दृढ़ होता है जो दो चीज़ करता है, अपने पाप कर्मों का फुल स्टॉप रख देता है, कभी पाप नहीं करता वो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्म शत्रुविदा, मांस खाना, जीवा के ना, वेद संग, नशा इत्यादि को जो पूर्ण रूपे ने छोड़ देता है। और जनाना पुण्यकर्मणा, पुण्यकर्म का मतलब है भागवत का श्रवण करना, नाम जपना इत्यादि कार्यों में जुड़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भक्ति में दृढ़ हो जाता है। तो ये किसके बराबर है? अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा मलमूत्र विसर्जन किया है, वो गंदा वास आ रहा है, उसको देखकर वो रो रहा है, माता बोलती है अरे शेम शेम पपी शेम, कितना गंदा है, तुम अपने आप को धोकर आओ, नहीं तो गोद में तुमको नहीं लूँगी, ऐसे बोलती है। लेकिन बच्चे देखता है धोना कैसे, मालूम नहीं उसको, हाथ में मग लेना, पीछे पानी डालना और वो विष्ठा को भी सफाई करना, उधर से क्या करेगा बच्चा, उसको कुछ मालूम नहीं। तो बच्चे क्या करना चाहिए, अगर वो माँ का शरण लेगा, बोलेगा माँ मुझे मालूम नहीं, हाथ ऊपर करके वो रोता है, माँ को बुलाता है, आप ही आश्रय दीजिए हमको, आप ही बताइए क्या करना है इसको, तो माँ आकर उसको क्या करती है, वो मलमूत्र को सफाई साफ़ सुथरा कर देती है और बच्चे को भी नहा लेती है, उसके बाद अपने गोद में ले लेती है।
इस तरह बताते हैं उनके कमेंट्री में, जब एक भक्त बोलता है कि वो श्लोक इसलिए भगवान ने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका मतलब क्या है, बच्चे अगर तुम अपने बलबूते पर करना चाहते हो तो तुम खुद को साफ सुथरा करके आओ, नहीं तो मेरे ऊपर निर्भर रहोगे तो मैं तुमको साफ सुथरा कर दूंगी, वो सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक है। इधर बोला भगवान ने, येषां तु अंतकरणं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, उसका मतलब है हे पहले शुद्ध होकर आओ मेरे पास, बाद में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब ठीक है हो नहीं पाते हो ना तो मेरा शरण लो, मैं करूँगी तुम्हारी। तो हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, मतलब आई विल क्लीन योर स्टूल, मैं तुम्हारी मलमूत्र को मैं साफ सुथरा कर दूंगी, अगर लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इसका शर्त क्या है, माम एकम शरणम्रज, तो मेरे ऊपर तुमको विश्वास होना चाहिए। आजकल के लोग इतना बेमानी करते हैं, उनके पास योग्यता भी नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं, दोनों नहीं। अगर योग्यता नहीं है, कम से कम सर झुकता है भगवान के सामने, कुछ शुद्ध होकर ऊपर उठने की संभावना है, लेकिन लोगों के पास अकल भी नहीं है और बड़े गर्व भी है। अकल नहीं तो कम से कम नम्रता होना चाहिए, अकल भी नहीं और नम्रता भी नहीं, तो क्या है इनका गति किधर होगा, सदगति कैसे प्राप्त होगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि अलग अलग धर्मों को सीखना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है, भूल जाओ, सिर्फ ये आप आश्रय लो मेरा, माम एकम शरणम व्रज। इसलिए भागवत की लास्ट श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। इस श्लोक में बताया गया कि नाम संकीर्तन करने से सब तरह के पाप कर्म का बोझ मिट जाता है और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में सर झुकने से सब दुख मिट जाता है। तो दुखों को भी हम मिटाना चाहते हैं, पाप कर्मों को मिटाना चाहते हैं, तो सिर्फ दो ही चीज़ करना है, भगवान के सामने सर झुकिए सदा रोज नियमित रूप से और हरिनाम की जप कीजिए बस। तो ये पांचवा विशेषता है भगवान में। तो इस तरह पांच विशेषताएं सुखदेव जी बताते हैं कृष्ण के अवतार में, और अंत में बताते हैं सुखदेव जी, अरे इस दुनिया में भगवत प्राप्ति करना हो तो क्या क्या कठोर तपस्या करके लोगों ने पाया है भगवान को। लोग जंगल में जाते थे, ऋषि मुनि कभी कभी सैकड़ों साल कठोर तपस्या करते थे, कंदमूल खाते थे जिसका कुछ रुचि ही नहीं है, और कुछ कुछ लोग गंगोत्री यमुनोत्री में डुबोकर अपने गर्दन तक ठंडे पानी में नहाते हुए वो लोगों ने तपस्या की है, अनेक लोग उपवास रखते हैं, और जैसे ध्रुव महाराज एक पाँव में खड़े होकर भगवान की प्राप्ति की है, 6 महीने तपस्या करके धीरे धीरे उन्होंने खाना भी कम करते गया है ना, ऐसे। तो सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक तपस्या की जाती है, यज्ञ दान तप इत्यादि व्रत इत्यादि किया जाता है, लेकिन ये भगवान कृष्ण की भक्ति देखो, द्वारका की रानियाँ और वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण के साथ, अभी द्वारका की रानियाँ उनके पत्नी धर्मपत्नी बनकर उसी महल में रही जिधर सब तरह के ऐश्वर्य था, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर कृष्ण को खिलाया द्वारकाधीश को। तो जब द्वारकाधीश वापस लौट आते थे शाम को, उनके उनके पांव धोती थी, मुकुट को निकाल कर उनके बाल संवारती थी, उनको बड़े प्लेट में भोग परोसती थी भगवान को, और चामर डुलाती थी, तो कृष्ण के पाद संवादन करती थी, और इस तरह सैकड़ों नौकर चाकर थे उनके, लेकिन खुद ही कृष्ण की सेवा कर देती थी, कौन, द्वारका की रानियाँ। और एक एक महल में भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तृत करके एक एक रानी के लिए एक एक कृष्ण साथ में उनसे सेवा स्वीकारा। तो जिस तरह संसारी लोग इस दुनिया में पति पत्नी बच्चे के रूप में रहते हैं, वो लोग तो संसार में डूब जाते हैं लोग, लेकिन संसारी जैसे रहते हुए ये रानियों ने कृष्ण की भक्ति पाकर भगवत धाम को प्राप्त किया। इसी तरह गोपियाँ भी कृष्ण के साथ रास नृत्य में भगवान गोविंद की स्मरण करते हुए प्रेमावेश में आकर नाचती हुई ऐसे लीलाएं की, जब वो जंगल में भगवान प्रवेश करते थे उस समय भगवान के लीला स्मरण में डूब कर रहती थी। इस तरह वृंदावन में साधारण ग्रामीण स्त्रियां होकर उधर दूध दुहना, दूध उबालना, माखन बनाना,
बच्चों की ख्याल रखना इत्यादि घरेलू काम करते करते साक्षात कृष्ण की स्मरण करती हुई कृष्ण की लीलाओं को देखते हुई वो भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो वो बोल रहे हैं ये तपस्वी जंगल में रहने वाले तपस्वियों को इन लोगों के साथ तुलना करके देखो, वो लोग इतना कठोर तपस्या करके भी पाते नहीं हैं, अनेक बार करोड़ों जन्म लग जाता है उनको, लेकिन ये स्त्रियां वृंदावन की गोपियां और द्वारका की रानियां कितना आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर लिया, ये भी कृष्ण की एक विशेषता है, ऐसे बताते हैं। इसलिए मैं बता रहा था कि वो जो स्त्रियां थी छत के ऊपर चढ़कर कौरवेंद्रपुर स्त्री नाम, उनके बारे में बताया गया कि वो इस तरह की बातें बता रहे थे कि कृष्ण के बारे में इसी तरह की बातें। सर्वश्रुति मनोहर अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। मन को हरण करने वाली बातें कर रही थी आपस में कृष्ण के संबंध में। वो बता रही थी कि वृंदावन में ये पहले बता रही थी कि इधर द्वारका में जो प्रभु हैं, इधर द्वारका में कृष्ण रहते हैं, वो उनके पास रानियों को भगवान पति के रूप में प्राप्त हुई है द्वारका में, और द्वारका वासियों को एक स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन द्वारका से भी बढ़कर मथुरा के लोग और भाग्यशाली हैं, ऐसे बताती है। आगे बताती है मथुरा से भी ज़्यादा वृंदावन के वासियाँ भगवान को जो प्राप्त किया उनके समान घनिष्ठ प्रेम किसी के हृदय में नहीं है। वो लोग रहती हैं हस्तिनापुर में लेकिन गुणगान करती है किनको, वृंदावन वासियों को। इसलिए वो बात के संबंध में भागवत में बताया गया कि सर्वश्रुति मनोहर ऐसे बताया गया है। तो ऐसे स्त्रियाँ आपस में कृष्ण की चर्चा कर रही थी, हृदय में बहुत कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने की लालसा से एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। तो इसी तरह की बात होना चाहिए इस तरह। तो जिस तरह वो कौरवेंद्रपुर स्त्रियाँ छत के ऊपर बातचीत कर रही थी, इसी तरह गोपियाँ भी वृंदावन में जब एक दूसरे के साथ मिलती थी उनको कृष्ण के बारे में कुछ बात करने के लिए मौका मिला उनको। जैसे एक दिन कृष्ण जब कृष्ण के अलग अलग अवस्था में लीला होता है, जैसे बाल्यावस्था में कुछ लीला होता है, अभी 1 से 5 के अंदर बाल्यावस्था की लीला हम सुनते हैं, तो 5 से 10 के अंदर जो लीला करते हैं उसमें और अलग तरह की लीला है। जैसे घर घर में जाकर माखन की चोरी करना, वो पूरा शरारती का प्रदर्शन होता है 5 के बाद बहुत। बचपन में भी होता है उनकी, लेकिन और भी शरारती करते हैं भगवान, क्योंकि गोपियों के साथ जो लीला किया उन्होंने वो 5 के बाद आता है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीता चौरम गोपांगणा नाम चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इधर बताते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, पहले 5 साल नवनीत की चोरी करना, कि माखन की चोरी लीला बहुत किया भगवान ने, विविध तरह की लीलाएँ। और उसके बाद 5 के बाद सब 5.5 के वयस के थे तब उन्होंने नाचा कालिया के ऊपर, नर्तन किया। तब कालिया के ऊपर नर्तन करते समय गोपियों ने भी पहली बार कृष्ण को इस वेश में देखा कि नृत्य कर रहे हैं भगवान। तो चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री में वो बताते हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि नाचते समय भगवान ने गोपियों को दिखा दिया कि भविष्य में मैं इस तरह आपके साथ नाचूंगा, इस तरह, क्योंकि वो अपने नृत्य कला को उन्होंने दिखा दिया उस समय। और उसके बाद 8 वयस में वो रास नृत्य करते हैं। तो इस तरह 5 से 10 के बीच में लीला करते समय और एक लीला याद आ रहा है। एक दिन कृष्ण अपने घर के अंदर रहते समय उनको एक आवाज़ सुनाई दिया बाहर, कोई फल वाली थी जो जामुन बेच रही थी, चिल्ला रही थी जामुन चाहिए क्या किसी को, जामुन जामुन, ऐसे जामुन जानते हैं ना आप लोग, बड़ा मोटा जामुन, छोटा भी होता है मोटा भी होता है बड़ा वाला है। तो कृष्ण को जामुन बहुत पसंद था, तो बाहर भागते हुए आए उसको देखने के लिए।
तो उन्होंने सोचा कि अभी जामुन खरीदने के लिए कुछ देना पड़ेगा उसको, उन दिनों में लोग पैसा नहीं देते थे, कुछ सामान देने से आपको मिलता है। तो इधर उधर भगवान ने देखा उनके पड़ोस के घर में कोई गोपी रंगोली बना रही थी घर के बाहर, पूरा उसका चेतना रंगोली बनाने में था। आप लोग जानते हैं भारत में स्त्रियां डॉट डॉट वाले डालती हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं। तो हमने स्कूल के दिनों में देखा, मेरे तीन बहन थी वो सब बनाती थी नोटबुक में अलग अलग डिज़ाइन बना कर रखती थी उसको, बाद में घर के बाहर वो राइस का पाउडर होता है उसे बनाती है, ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बनाती है। तो एक गोपी ऐसे मग्न होकर ऐसे रंगोली बना रही थी वो अपने घर में कृष्ण के पड़ोस में। तो इधर से आ रही है ये जामुन वाली, तो भगवान ने देखा उसको तो तुरंत उधर वो गोपी के पास गया, उसके हाथ पकड़ कर एक कंकण ले लिया, उनके हाथ से निकाल लिया कंकण, निकाल कर तुरंत आगे और जामुन वाले को दिया। जामुन वाले दोनों हाथ भर के उनको दे दिया, तो लेकर अंदर कृष्ण चले गए घर के अंदर। लेकिन जब गोपी ने देखा कि अरे ये कौन है हाथ खींच रहा है और हाथ से एक कंकण निकाल रहा है, घर के ऐसे देख रही थी वो, तो देख रही थी कि कृष्ण इतने निकट आकर उनके घुंघराले बालों के साथ नीलमणि के बराबर चमकने वाली सुंदर वदन के साथ मुस्कुराते हुए कृष्ण ने मजाक से ऐसे उठा लिया ये कंकण है, चले गई हैं। तो ये इतने विस्मित हो गई ये गोपी, ऐसे ही जैसे मूर्ति जय खड़े हो गए ऐसे खड़े। तो देखा कि अरे इसने कुछ बोला भी नहीं मुझसे, ऐसे ही उठा लिया हाथ से और जाकर जामुन खरीद कर निकल गया अंदर। अंदर जाकर बैठ कर खाने लगे कृष्ण ऐसे। तो गोपी दोपहर के समय ही बाकी गोपियों के साथ मिला, उसने गोपियों को बोला देखो आज खाना क्या क्या मालूम है, सुबह मैं रंगोली बना रही थी आकर हाथ को उठाकर ये कंकड़ उठाकर लेके गया। तो और कुछ गोपियों ने बोला कि ऐसे कैसे खींच सकता है तुम्हारे हाथ से एक कंकड़, मांग कर लेना चाहिए ना, चाहिए भी तो ऐसे कैसे उठा सकता, ऐसे कोई चला रहे थे कोई गोपी। दूसरे गोपी बोला कि मुझे इच्छा होता है कि मेरे हाथ से भी ले ले एक कंकण ऐसे, इतना अच्छा होगा, अगले बार मैं ज़्यादा कंकण पहन कर जाकर दिखा दूंगी उसको, ऐसे बोल रहे थे। इस तरह गोपियाँ की चर्चा भी किसके बारे में था, कृष्ण के बारे में था ऐसे। तो इस तरह गोपियाँ कृष्ण के अनुपस्थिति में भी वो कृष्ण के बारे में सदा स्मरण करती थी, चर्चा करती थी, वही बात बताया जा रहा है इधर इस श्लोक में। एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीलानुगायति रेमि रेहस्तु तच्चित्तास् तन्मनस्का महोदयाः। कृष्ण लीला अनुगायति, मिश्र बताते हैं कृष्ण की लीला गाते थे। तो भागवत जो लोग पढ़ते हैं नियमित रूप से उनको भगवान के अनेक दिव्य गुणों के बारे में वर्णन प्राप्त होगा भागवत में, उसको पढ़ पढ़ कर हमारे हृदय में भगवान बस जाएंगे और भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए अनेक विषय है भागवत में। इस तरह आज मैंने आपको बताया पांच विशेषता कृष्ण के, उसके बारे में बताया, और दूसरा चीज़ बताया मैंने कौरवेंद्रपुर स्त्रियाँ छत के ऊपर चढ़कर कैसे भगवान कैसे आदि पुरुष हैं, कैसे सृष्टि में सृष्टि करते हैं भगवान, और वही आदि पुरुष अभी इस दुनिया में अवतरित हुए हैं कृष्ण के रूप में, कैसे इधर द्वारका में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, लीलाएं करते हैं। तो आपस में वो स्त्रियां कितने भाग्यशाली हैं, ब्रजवासियां और द्वारका की रानियां, इस तरह उनकी भाग्य के बारे में सोच सोच कर रम रही थी उसमें ये स्त्रियाँ ऐसे। तो वो बताया मैंने आपको, उसके बाद ये भी बताया कि वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कैसे लीलाएं करते हैं और वृंदावन की गोपियां कैसे उनकी स्मरण करती है। तो वो गीत जो बोला उसका अनुवाद बोलने के लिए भूल गया। अटति यद् ब्रजात् आह्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां
पक्ष्मकृदृशाम। तो गोपियों के बीच में जब बातचीत होता था, गोपियां बोलती थी, अरे देखो कान्हा गोचर नीला के लिए चला गया जंगल में। तो एक गोपी बोला कि मैं भी चली जाऊंगी। तो दूसरे गोपी ने बोला, अरे तुम कैसे चल सकते हो, तुम्हारे वहाँ पकड़ेगी तुमको। हैं ऐसे बोलती थी, नहीं नहीं हम भी चले जाएंगे और झाड़ के पीछे छुप कर हम देखेंगे कृष्ण क्या 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 गेम्स खेलते हैं अपने मित्रों के साथ, क्या क्या खेल खेलते हैं, कैसे गोवर्धन में लीला करते हैं, कैसे यमुना के तट में बैठकर अपने मित्रों के साथ वनभोज करते हैं। तो हमको भी देखने की इच्छा है, हम कितने अभागी हैं, हम उनके साथ जंगल में इस तरह नहीं जा सकती हैं जिस तरह गोप मित्रों को ये भाग्य मिलता है। तो गोपी बोलती थी, ठीक है मुझे तो जाने की इच्छा है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है चलो इधर ही बैठ कर हम आपस में बातचीत करते हैं। तो ऐसे उनका बातचीत करना जो है वो भागवत में इस तरह की, अभी मैंने जो बोला इस तरह वो तो बताया गया है कि त्रुटि युगायते, एक क्षण उनको एक युग के बराबर महसूस हुआ, एक क्षण ऐसे। तो जब आप किसी को प्रेम करते हो बहुत, उनके स्मरण में एक क्षण आपको एक युग जैसे लगता है आपको। और इसलिए बताते हैं युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में, ऐसे बताते हैं। तो ये गोपी हम बता रही है कि लेकिन शाम के समय जब कृष्ण वापस लौट आते हैं, उनके घुंघराले बाल सामने गिरते हैं, उनके चेहरे एक चंद्रमा के बराबर चमक रहा है और उनके कमल के पंखुड़ियों के बराबर आंखे हैं, तो हम सब उनको देखने के लिए आरती उतारने के लिए कड़ी हैं, लेकिन उस समय हमारे आंख पलक झपकते हैं। किस तरह का मूर्ख हमारे सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने हमारे आंखों के ऊपर एक इसको क्या बोलते हैं पलक पलक लगा दिया है। थोड़ा बुद्धि चाहिए इसके लिए, पलक नहीं लगाया तो हम सदा देखते हुए देख सकते हैं उनको, ये बीच बीच में पलक झपकता रहता है ऐसे, इसे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि हमारे अंदर साहस नहीं ये पलक को काटने के लिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेम असली रूप में होता तो हम पलक को काट कर सदा कृष्ण को देखते रहेंगे, हम उतने प्रेमी नहीं हैं, ऐसे अपने बारे में बोल रहे कोस रही है गोपियाँ। तो इस तरह गोपियों की प्रेम के बारे में चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रशंसा की है, गोपियों के बराबर कोई भक्त नहीं है इस दुनिया में है। तो अनेक भक्त हुए, प्रहलाद हुआ, पांडव हुए, लेकिन सब भक्तों में से श्रेष्ठतम उच्च कोटि के भक्त हैं गोपियाँ। तो उनकी भक्ति करने का मार्ग इस तरह था कि भगवान के अनुपस्थिति में बार बार उनकी लीलाओं के बारे में बोल कर सोच कर स्मरण करके वो इतना कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव महसूस करती थी जितना कृष्ण व्यक्तिगत रूप में उनके साथ जब थे, इस तरह उतना ही अनुभव करती थी। इसलिए स्मरण के संबंध में जोर दिया गया है भक्ति मार्ग में, हम जितना मग्न होते हैं भक्ति मार्ग में उतना हमारे लिए लाभ है। हमें ऊपर ही ऊपर भक्ति नहीं करना चाहिए, जो हम श्रवण करते हैं, माला करते हैं, श्री वगैरह का दर्शन करते हैं, सब निष्कपट भावना से निरपराध भावना के साथ करना चाहिए। इस तरह करने से भगवान हमारे हृदय में बस जाएंगे, जब भगवान बस जाते हैं बाकी चीज़ फीके पड़ जाएंगे। और हर क्षण एक भक्त के लिए एक उल्लास, एक उत्सव, एक परम आनंद का क्षण रहेगा उसके जीवन में, ऐसे बताते हैं इस श्लोक में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की।